केरल में हमास के आतंकी का बिग एंड बोल्ड पोस्टर। केरल में हमास के एक्स चीफ का बिग फॉल प्रेजेंटेशन। एलईडी स्क्रीन पर खालिद मशाल का वर्चुअल संबोधन। केरल में फिलिस्तीनी के नाम पर हमास वाला एजेंडा कौन लाया? केरल में आतंकी का पोस्टर किसने लहराया? केरल में ये कौन करवा रहा है? केरल में ये क्यों हो रहा है? सब बताएंगे, पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि केरल में ये रैली कहां हुई, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। इस रैली की लोकेशन केरल के मलप्पुरम की है, जहां स्टेज पर यह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। यह स्क्रीन इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इस स्क्रीन से आतंकी खालिद मशाल को जुड़ना था। मैसेज मुसलमानों की भीड़ को देना था। भीड़ ज्यादा थी इसलिए स्क्रीन भी बड़ी थी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। संदेश सबके पास पहुंचे, लाउड एंड क्लियर पहुंचे। एलईडी स्क्रीन पर खालिद मशाल है। खालिद हमास का एक्स चीफ है। ये कतर में रहता है, वहीं से हमास के लिए काम करता है, लेकिन केरल में मुसलमानों की रैली में वर्चुअली जुड़ता है। तो ये क्या कहता है? खालिद ने मुसलमानों को क्या बताया, कितना भड़काया, कितना उकसाया, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि खालिद मशाल की वर्चुअल स्पीच के लिए भीड़ कैसे जुटाई गई और कितनी भीड़ आई। केरल में जुमा के दिन क्या क्या हुआ उसे समझिए, तब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुसलमानों की भीड़ जुटाने के लिए जुमे के दिन पहले रैली निकाली गई। युवाओं के हाथ में फिलिस्तीन वाला पोस्टर थमाया गया, यूथ रेजिस्टेंस का नाम चमकाया गया, बैनर पोस्टर के साथ पूरे मलप्पुरम को चक्कर लगाया गया। घर घर में हमास के आतंकी खालिद मशाल वाला पोस्टर पहुंचाया गया। हमास वाला खालिद रैली में जुड़ेगा, ये मैसेज पहुंचाया गया। मजहब के नाम पर भीड़ को जुटाया गया। जुमा के दिन रैली ग्राउंड पर नमाज पढ़ी गई, गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए, हमास के आतंकियों के लिए दुआ मांगी गई। मुसलमान मुसलमान वाला टेप बजाया गया। नमाज के बाद नेता स्टेज पर पहुंचे, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो रैली की स्क्रीन पर खालिद मशाल नजर आया। ये रैली सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने आयोजित की थी। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का हेडक्वार्टर कोझिकोड में है। इसकी स्थापना 13 मई 2003 को हुई। ये जमात इस्लामी हिंद का यूथ विंग है। इसका मोटो मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाने का है। केरल में ये अपनी कट्टर सोच के साथ तेजी से फैला। आज ये केरल के 14 जिलों में एक्टिव है। इस संगठन की 110 एरिया वाइज कमेटी भी है। कई मुस्लिम देशों में इस विंग का कनेक्शन भी है। केरल में ये एनआईए के आतंक विरोधी एक्शन को चुनौती दे चुका है। ये संगठन केरल में इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस भी करवाता है। यही संगठन जब मलप्पुरम में फिलिस्तीन के नाम पर रैली करवाता है तो हमास के एक्स चीफ को चीफ गेस्ट बनाता है। इस रैली में क्या होता है ये जान जाएंगे तो आप सन्न हो जाएंगे। इस संगठन की सोच कितनी कट्टर है ये सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। इस रैली में हमास के आतंकी को बोलने का चांस मिला तो उसने मुसलमानों को खूब भड़काया। आतंकी खालिद मशाल ने केरल के मुसलमानों से अप्रूट बुलडोजर हिंदुत्व का नारा लगाया। मतलब ये कि बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको, रंगभेदी यहूदी वाद को उखाड़ फेंको। खालिद मशाल इस रैली में करीब 7 मिनट तक बोला। इस दौरान उसने भारत विरोधी खूब बातें की।
अपनी वर्चुअल स्पीच में खालिद ने हिंदू विरोधी नारे लगवाए, मुसलमानों से हमास का सपोर्ट करने के लिए कहा, मुसलमानों ने हमास का सपोर्ट करने की कसम भी खाई। हमास के आतंकियों को मुसलमानों का हीरो बताया गया, आतंकियों को फिलिस्तीन का फाइटर बताया गया। मलप्पुरम में उस टेररिस्ट ग्रुप हमास के सपोर्ट की बात की गई जिस हमास के आतंकियों ने इसराइल में मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का नरसंहार किया, किसी को गोली मारी तो किसी को नंगा करके सड़क पर घुमाया। हमास के आतंकी खालिद की स्पीच का केरल वीडियो ट्विटर पर वायरल है, पोस्टर पर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि केरल में मुसलमानों की रैली में हमास का यह आतंकी क्या कर रहा है। बीजेपी भी इस वीडियो को लेकर भड़क गई, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इस खबर की चर्चा है। केरल बीजेपी के प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन ने खालिद के रैली को एड्रेस करने वाला और लोगों को खालिद के रैली में बुलाने वाला पोस्टर भी ट्वीट किया है और लिखा है कि मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशाल का आभासी संबोधन चिंताजनक है। पिनराई विजयन की केरल पुलिस कहाँ है? फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में वो एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके सदस्यों का एक योद्धा और नेता के तौर पर महिमा मंडन कर रहे हैं, ये अस्वीकार्य है। मलप्पुरम की इस रैली में मेनली दो बातें हुई, एक आतंकी संगठन हमास का सपोर्ट और दूसरा सनातन और हिंदुत्व को टारगेट किया गया। रैली में अप्रूव्ड बुलडोजर हिंदुत्व का नैरेटिव सेट हुआ, पोस्टर बैनर से लेकर एलईडी स्क्रीन पर अप्रूव्ड बुलडोजर हिंदुत्व को दिखाया गया, जमकर सनातन को टारगेट किया। मुसलमानों के इस एक्ट से बीजेपी भी नाराज है और भारत का संत समाज भी। हमास का आतंकवादी केरल में जाके बोला है हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। खालिद तुम हमास के हो सकते हो आतंकवादी, भारत में आकर के भारत को खत्म करने के लिए सिकंदर आए चले गए, पोरस आए चले गए, खालिद तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। केरल के मलप्पुरम में जिस प्रकार फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकली और हमास के आतंकवादियों को जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया समर्थन दिया गया और उसकी आड़ में जो भाषा प्रयोग की गई भारत में हिंदुत्व बुलडोजर राम मंदिर जैसे शब्द, अखिल भारतीय संत समिति कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब बात यह कि खालिद ने मुसलमानों को भड़काया या मुसलमान ही खालिद को भारत बुलाकर लाए हैं, इससे खतरा भारत की एकता और अखंडता पर नजर आ रहा है। सवाल रैली के ऑर्गेनाइजर्स के मोटिव पर खड़ा हो रहा है। क्या मलप्पुरम का मुसलमान सिर्फ मजहब देख रहा है? क्या मजहब के नाम पर आतंक का सपोर्ट करना सही है? बीजेपी इस रैली को लेकर विजयन सरकार पर फायर है, बयानों के साथ वो विजयन सरकार से कई सवाल भी पूछ रही है। केरल में हमास के लिए जमीन कौन तैयार कर रहा है? हमास आतंकी के वर्चुअल भाषण को मंजूरी कैसे मिली? भड़काऊ बयान पर केरल पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? इस रैली में शामिल होने वालों पर एक्शन कब होगा? रैली आयोजित करने वाली संस्था के हमास कनेक्शन की जांच की डिमांड भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि मलप्पुरम में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ, जुमा के दिन और लोकेशन सब सोच समझ कर डिसाइड हुआ। मलप्पुरम की रैली प्योर पॉलिटिकल एजेंडे वाली थी, मुसलमानों को भड़काने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मलप्पुरम की जनसंख्या की बात करें तो मलप्पुरम की आबादी 41 लाख है, इसमें मुस्लिम करीब 28 लाख और हिंदू करीब 11 लाख है, ईसाई करीब 81,000 है। अगर इसी आंकड़े को प्रतिशत के तौर पर देखें तो मलप्पुरम जिला मुसलमानों का इलाका है, यहाँ मुस्लिम 70, हिंदू 28, ईसाई 2%। इधर मलप्पुरम की रैली को लेकर बवाल मचा है, उधर कांग्रेस टेंशन में आ गई क्योंकि केरल की एक मुस्लिम संस्था ने शशि थरूर का नाम अपने कार्यक्रम से हटा दिया है। थरूर का नाम इस वजह से हटाया गया क्योंकि उन्होंने इसराइल पर हमास के हमले को टेरर एक्ट बताया था। थरूर को जिस कार्यक्रम से हटाया गया वो प्रोग्राम फिलिस्तीन एकजुटता कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज मुसलमानों के लिए काम करने वाली केरल की एक संस्था कर रही थी। इस संस्था का नाम महल एक्पावरमेंट मिशन यानी कि MEM है। 23 अक्टूबर को ये प्रोग्राम केरल में होने वाला है। MEM अध्यक्ष शाहजहां श्रीकार्यम कह रहे हैं कि थरूर को इस बात की जानकारी दी गई है
कि उनके बयान से मुस्लिम नाराज है, इसी वजह से उन्हें प्रोग्राम से हटाया जा रहा है। मुस्लिम संगठन के इस फैसले के बाद थरूर बैकफुट पर हैं और लगातार सफाई भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, थरूर अब प्रियंका गांधी का वो ट्वीट भी रिट्वीट कर रहे हैं जिसमें प्रियंका इसराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा कर रही हैं। गांधी जी ने कहा था कि आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित था। हमारे देश का निर्माण अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुआ था, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। ये भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है। दरअसल हुआ यूं कि यूएन में गाजा में युद्ध रोकने के लिए यूएन में वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसी को लेकर कांग्रेस समेत पूरा एंटी मोदी गैंग मोदी को टारगेट पर ले रहा है। हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। मौलाना ब्रिगेड भी मोदी के खिलाफ एक्टिव हो गई। मैं समझता हूं हर उस इंसान के लिए जो थोड़ी सी भी समझ रखता है हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, और मैं ये बातें इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंसानियत अगर कहीं भी मरे तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी हिमायत करनी चाहिए, और अगर हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते तो हम खुद इंसान नहीं है, हमें इंसानियत से प्यार नहीं है, हमें कुछ भी कहा जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो मुसलमान को बदनाम करने के पीछे एक चीज है, अपने वोट बैंक को साधना, जो तमाम सरकारों ने किया है। देखिए, कांग्रेस सरकार हमेशा से मुसलमान को अपनाती आई है, हमेशा से मुसलमान का वोट लेती आई है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जमाने में टाडा और पोटा के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर आज भी हजारों बच्चे जेल में हैं। कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा उठा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो फिलिस्तीन के साथ तो मोदी भी खड़े हैं। कांग्रेस और विपक्ष हमास को सपोर्ट कर रहा है। वोट के लिए क्या क्या करोगे? हमने तो फिलिस्तीनी के अस्तित्व के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है, सामान्य लोग तो नहीं ले सकते हैं। हमास एक क्रांतिकारी संगठन नहीं है, हमास एक उग्रवादी संगठन है। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो मुसलमानों का सपोर्ट करें, क्योंकि राहुल जब अमेठी हारते हैं तो वो इसी केरल के वायनाड से सांसद बनते हैं। केरल का मुसलमान अब इसी बात का फायदा उठा रहा है। वो कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहा है, जिसका इम्पैक्ट प्रियंका के ट्वीट कांग्रेस की फिलिस्तीन वाली लाइन लेंथ पर नजर भी आ रही है। मुसलमानों ने शशि थरूर का नाम प्रोग्राम से हटाकर कांग्रेस को क्लियर संदेश दिया है कि अगर वोट चाहिए तो फिर मुसलमानों की ही बात करनी होगी। मोदी विरोधियों को सनातन और मुसलमान की डिबेट में मुसलमानों का साथ देना होगा। अगर मुसलमानों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो वोट मुसलमान नहीं देंगे। अब केरल का मुसलमान ये मैसेज मोदी विरोधियों को क्यों दे रहा है, इसे भी समझ लीजिए। कहने को तो केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, इसे देवताओं का शहर माना जाता है, लेकिन इसी केरल में मुसलमान डोमिनेट करता है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से केरल देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है। केरल की कुल आबादी करीब 3,50,00,000 है। इसमें से हिंदुओं की भागीदारी 55%, मुस्लिमों की भागीदारी 27% और ईसाई 18% है। केरल में हिंदू भले ही 50% हों, लेकिन ये वोट जातियों में बढ़ जाता है। चुनावों में हिंदू बिखर जाता है, अगड़ा पिछड़ा और दलित के फेर में फंस जाता है। सियासतदान तो सहूलियत के हिसाब से इसे और बांटते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कुम्हार, कछार और न जाने कितनी ही जातियों का नैरेटिव ले आते हैं। ऐसे हिंदू की ताकत कम हो जाती है, लेकिन मुसलमान का वोट एक मुश्त पड़ता है। मुसलमान उसी को वोट करता है जहां उसे बीजेपी के अगेंस्ट में स्कोप दिखता है। केरल का मुसलमान अपनी इसी ताकत को दिखा रहा है। बात चुनावी हो तो यहां पर सीटों का नंबर भी देख लेते हैं, क्योंकि सीटों के नंबर से हार जीत तय होती है। ताकत का अंदाजा इसी से लगता है कि केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें 3 सीटों पर मुस्लिम सांसद हैं, विधानसभा में 140 सीट हैं, 32 मुस्लिम विधायक हैं। इन सीटों के गुणा गणित में केरल का मुसलमान कहाँ है, उसकी ताकत क्या है, कांग्रेस को वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, इसे भी समझिए। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें 11 सीटों पर मुस्लिम सीधे सीधे जीत हार तय करते हैं। इसमें राहुल गांधी की सीट वायनाड,
पोन्नानी, वडक्करा, कासरगोड, कोझिकोड, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानामथिट्टा, अलापुज्जा है। बीजेपी इस बार दक्षिण पर फोकस कर रही है, ऐसे में मुसलमान भी अपनी तैयारी कर रहा है। मुस्लिम नेता मुस्लिम मौलाना अभी से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मोदी के खिलाफ मुसलमान विरोधी होने का नैरेटिव बना रहे हैं और मुसलमान दबाव बना रहे हैं कि अगर वोट की गारंटी चाहिए तो फिर मुस्लिम सोच वाली गारंटी भी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।